नमस्कार दोस्तों, ग्वालियर से तिगरा डैम की तरफ जाते हुए जिस रास्ते से मैं जा रहा था उस पर वैसे भी काफ़ी ट्रैफिक नहीं मिलता, वो रास्ता सुनसान ही है। उस सुनसान रास्ते पर इस ट्रक को देखकर अचानक मैं रुक गया। मुझे ऐसा लगा ये ट्रक आने जाने वाले लोगों से बहुत कुछ कहना चाह रहा है। आप भी देख सकते हैं, हो सकता है इसकी बेवसी, इसकी तन्हाई आपको भी महसूस हो और आप इसकी तकलीफ को समझ सकें। जैसा आप देख रहे हैं, ये ट्रक किसी समय किसी व्यवसायी परिवार की शान हुआ करता था, पर आज ये इस वीराने में खड़ा हुआ है और अपनी उदासी को आने जाने वाले लोगों के सामने बयां करने की कोशिश कर रहा है। आप देख रहे हैं, ट्रक खड़ा हुआ तो है ही, इसके पहिए भी निकाल लिए गए हैं। अब ये पहिए मालिक ने निकलवाए हैं या चोरों ने निकाल लिए हैं, ये आपके सोचने की बात है। पर ट्रक की उदासी, ट्रक का वीरानापन हम बहुत अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं। जब इस स्टिकर पर हमारी निगाह पड़ती है, तुम कब आओगे, तो जवाब देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये ट्रक तो कभी चलेगा ही नहीं। इस मोबाइल नंबर पर बात करने की कोशिश की तो ये भी बंद होगा। इस फड़फड़ाती हुई झंडी को देखा तो थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि ट्रक किसी चौहान परिवार को बिलोंग करता है और ये हरी झंडी, चांद सितारे वाली हरी झंडी, लगता है ड्राइवर महोदय की प्रिय चीज़ रही होगी। जैसा आप देख रहे हैं, ट्रक पर लिखा है भाग्य लक्ष्मी। कभी किसी परिवार की आशाओं उम्मीदों का केंद्र रहा होगा ये ट्रक। आज यहाँ इस वीराने में चुपचाप अकेला आंसू बहाता हुआ खड़ा है। दोस्तों, शायद आपको विश्वास ना हो, लेकिन जब मैंने पहली बार इस ट्रक को देखा उस समय मेरा फ़ोन बैटरी डाउन होने की वजह से बंद था। मैं घर वापस आया लेकिन मेरा मन नहीं माना। 34 किलोमीटर मैं वापस गया, बैटरी चार्ज होने के बाद मैं दोबारा गया और मैंने इस ट्रक का ये वीडियो बनाया। हो सकता है अब आपको ये बात समझ में आए कि ट्रक के प्रति इतनी संवेदना मेरे मन में क्यों जगी, क्योंकि ट्रकों का जन्म और विकास ही होता है चलने के लिए। और कोई ट्रक जब इस हालत में हो तो आमतौर पर वो वर्कशॉप या कबाड़ी वाले क्या पाया जाता है। पर ये कौन सी स्थिति रही होगी, कौन सी कंडीशन रही होगी जब इस ट्रक को इस हालत में यहीं पर छोड़ दिया गया। क्या मजबूरी रही होगी, क्या स्थितियां रही होंगी, वो सब हम शायद नहीं सोच पाए। पर अगर ये ट्रक जीवित होता तो क्या आपको नहीं लगता कि ये एक मशहूर शायर की कुछ पंक्तियों को गुनगुना रहा होता कि न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का चिराग हूँ, जो किसी के काम न आ सका, मैं वो एक मजार हूँ। कोई आके शम्मा जलाए क्यों, कोई आके दिल धड़काए क्यों। ये लाइनें बहुत आगे जाती हैं, ट्रक के प्रति हमारी संवेदनाएँ अपनी जगह मौजूद हैं। इसमें जैसा आप देख रहे हैं दोस्तों, ये इंतज़ार कर रहा है, कोई दिन आएगा गति में पहुँचेगा, लेकिन अभी तो ये सिर्फ हरी झंडी ही है जो हरकत में है और इसकी उम्मीदों को दिखा रही है।
कभी इसका भी दिन आएगा जब ये आगे की तरफ चले।